इंडस्ट्री से एक बेहद ही दुखद खबर सामने आ रही है। महाभारत सीरियल के शकुनी मामा किरदार से हर घर में और लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने वाले एक्टर गूफी पेंटल का निधन हो गया है। एक्टर ने 78 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांसें ली है, जिसके बाद अब इंडस्ट्री में शोक का लहर छाया हुआ है और उन्हें लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बता दें कि शकुनी मामा का किरदार निभाने वाले एक्टर गूफी पेंटल काफी टाइम से हॉस्पिटल में एडमिट थे। उनकी हालत काफी ज्यादा गंभीर थी, जिसके बाद अब एक्टर ने आज अपनी आखिरी सांसें ली हैं। एक्टर के आखिरी सांसें लेने के साथ साथ एक दिग्गज कलाकार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। बता दें कि पिछले काफी टाइम से उन्हें हेल्थ इश्यूज चल रहे थे। अब इसी बीच गूफी पेंटल के भतीजे हितेन ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें उम्र संबंधी कई बीमारियां थी, जिससे वो जूझ रहे थे। गूफी पेंटल के हृदय गति रुक जाने से उनका निधन हुआ है। एक्टर के जाने की खबर सुनने के बाद अब हर किसी की आंखें नम हैं। बात करें अगर एक्टर के करियर की, तो गूफी ने साल 1980 के दशक में हिंदी फिल्मों के अलावा कुछ टीवी धारावाहिक में नजर आए थे। एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले वो एक इंजीनियर थे, लेकिन गूफी को पहचान बीआर चोपड़ा के सीरियल महाभारत से मिली। इस शो में उन्होंने शकुनी मामा का किरदार निभाया था। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहें फर्स्ट इंडिया। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।